वेलकम बैक एज केयर ब्लॉग। तो आज हमारे साथ है हमारे अवे भाई, उनके पास है वेनोम। तो उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं और कुछ उनको डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी लगते हैं उनकी बाइक में। तो अब जानते हैं हम अवे भाई से क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो भाई गाइस, आज एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं RM5 V4 के बारे में, जो मैंने आज तो खुद कस्टम करी। पर इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले तो मेरे को लगता है एवरेज, अभी एवरेज रीसेट कर दो तो उसके बाद लगभग वो 20-25, अभी मेरे रीसेट करा हूँ एवरेज को, मेरे को देखिए मैक्सिमम 25-26 और 30। तो कभी उसको लंबा चला लिया 60 किलोमीटर लगभग तो एवरेज बनेगा, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज लगा उसमें चलाना कौन बोल। उसके बाद ये फेयरिंग बहुत लो क्वालिटी, तो ये फेयरिंग पे आते हैं पहले, तो ये बहुत लो क्वालिटी की है, इसको कोई भी खींच दे उससे भी टकराए जल्दी टूटता है। अभी तक मेरा टूटा नहीं है, पर साथ वाले की गाड़ी का टूट चुका है। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत कम दी है, पैसा ज़्यादा लिया है। और दूसरे ये साइड पे कोई प्लेन बैठता है तो ये पूरा दब जाता है, ये स्पेस बन गई, ये देखो ये दोनों साइड ये भी पूरा दब चुका है। इसकी क्वालिटी तो बहुत बोले तो नकली टाइप में थी, काम चलाओ। और दूसरा डिसएडवांटेज है इसमें चालू दूसरा एडवांटेज है ब्रेक का, ये इसको लगाना चाहो तो लगाओ तो मत ही बिल्कुल, क्योंकि रुकती बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, इसमें TCS आया है और दूसरा डबल चैनल ABS है। ABS तो है, पर जब घड़ी कुछ रश राइडिंग करे तो उसमें रोकना चाहो तो एकदम से नहीं रुक पाती, और कभी रोको तो ये इसका ट्रैक्शन है वो अच्छी नहीं, इतनी तेज़ आवाज़ करता है कि साइड वाले डर जाए। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा लगता है कि अच्छा नहीं है दोनों ब्रेक में तीन। तो कंपनी के हिसाब से तो कंपनी को ये थोड़ा ये भी ठीक करना चाहिए फाइबर को, और उसके बाद ये ब्रेक का भी मेरे को थोड़ा इशू लग रहा है। अब मेरी इसमें ये है कि अदर बाइक में भी है पता नहीं है, पर मेरे इसमें तो मेरे को लगा, और बाकी का तो सब ठीक है, और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मेरे हिसाब से सब ठीक लगा मेरे को गाड़ी में, लेकर अच्छा लगा मेरे, और अभी आगे आगे पता चलेगा। अभी तो लगभग मैंने कितना 10,000 किलोमीटर चलाया हूँ, अभी और चलाने पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं। तो गाइस, अब इसकी सर्विस की बात करेंगे तो अपन अगली वीडियो पर करेंगे, अभी इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। फिर जब हमारी अगली जब सर्विस हो जाएगी इसकी कंप्लीट पूरी, अभी फोर्थ सर्विस होने को बाकी है, अब ये आज कल में हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी सर्विस की बहुत क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है, अभी तो नॉर्मल चीज़ चेंज हुई है थर्ड तक की, तो अभी फोर्थ में चेंज होगा पूरा मेरा, तो उसमें सब कुछ बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, चैनल बने रहें, सब्सक्राइब करें हर्ष भाई को।